हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं किस किस के लिए तुमने न्योता भिजवाया है, किस किस के लिए तुम कपड़े ले रहे हो, किस किस के लिए तुमने टिकट खरीदे हैं, किस किस के लिए आज खाना बना है, ये मिठाइयाँ किस किस के लिए है बताओ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग जानते हैं किस किस के लिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं फॉर होम ऑल, फॉर होम ऑल। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे फॉर होम ऑल, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, टेंस के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो भी टेंस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे मेन वर्ब, जो भी वर्ब आएगा ये भी जो है टेंस के अकॉर्डिंग टू बदल जाएगा वर्ब, ठीक है। और लास्ट में अगर कोई वर्ड बच जाता है तो लास्ट में अदर वर्ड्स में लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, ये मिठाइयाँ किस किस के लिए है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा फॉर हुम ऑल आर दिस स्वीट्स, फॉर हुम ऑल आर दिस स्वीट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, किस किस के लिए आज खाना बना है। अक्सर ये क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ कि किस किस के लिए आज खाना बना है या खाना पका है। ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसके लिए आप कहिएगा फॉर हुम ऑल हैज द फूड बीन कुक्ड, फॉर हुम ऑल हैज द फूड बीन कुक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, किस किस के लिए तुमने टिकट खरीदा है, मीन्स टिकटें खरीदे हैं, मतलब बहुत सारे टिकट्स हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा For whom all have you bought tickets? For whom all have you bought tickets? Bought की जगह purchased का यूज कर सकते हैं। Next sentence है, तुम किस किस के लिए कपड़े ले रहे हो या आप किस किस के लिए कपड़े ले रहे हैं। Continuous state का sentence है, तो इसके लिए आप कहिएगा For whom all are you buying dresses? For whom all are you buying dresses? Dresses की जगह clothes लगा सकते हैं, For whom all are you buying clothes? नेक्स्ट सेंटेंस है, किस किस के लिए उसने न्योता भेजा है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा फॉर हुम ऑल हैज ही सेंट इनविटेशन, फॉर हुम ऑल हैज ही सेंट इनविटेशन। गाइस, इसे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा है, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।